ಮನರಂಜನ ಭವಭಯ ಭಂಜನ ಹರಿ ಓಂ ಕಲಿಮಲಹಾರಣ ಭವಜಗತಾರಣ ಹರಿ ಹರಿ ಓಂ ಮೋಹ ನಿವಾರಕ ಸಮ ಸುಖಕಾರಕ ಹರಿ ಹರಿ ಓಂ ಮೇವಾಡ್ ಮೇ ಮೀರಾ ಬೋಲೇ ಹರಿ ಹರಿ ಓಂ ಬಂಗಾಲ ಮೇ ಗೌರಂಗಾಯ ಹರಿ ಹರಿ ಓಂ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮೇ ನಾಮದೇವ ಬೋಲೇ ಹರಿ ಹರಿ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ನರ್ಸಿ ಗಾಯೆ ಹರಿ ಹರಿ ಓಂ ಪುಷ್ಕರ ಮೇ ತುಂಭಂ ಆಯೆ ಹರಿ ಹರಿ ಓಂ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಮೇ ಗುಂಜಾ ನಾಮ ಹರಿ ಹರಿ ಓಂ ಭಾರತ ಭರ ಮೇ ಗುಂಜಾ ನಾಮ ಹರಿ ಹರಿ ಓಂ ವಿಶ್ವ ಭರ ಮೇ ಸಾಧಕ ಗಾಯೆ ಹರಿ 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 ಪ್ರಭು ಜಿ ಓಂ 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 ಪ್ಯಾರೆ ಜಿ ಓಂ 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 ಶಿವಜಿ ಓಂ ಓಂ ನಾರಾಯಣ ಹರಿ ಹರಿ ಓಂ ಹರಿ ಬೈಠೋ ಲಾಲ ಲಾಲಿಯಾ ಹರಿ ಓಂ ಹರಿ ಓಂ ಹರಿ ಭದ್ರಂ ಕರ್ಣೇಭಿಃ ಶೃಣುಯಾಮ ದೇವಾಃ ಭದ್ರಂ ಪಶ್ಯೇಮಾಕ್ಷಭಿರ್ಯಜತ್ರಾಃ ಸ್ಥಿರೈರಂಗೈಸ್ತುಷ್ಟವಾಸಸ್ತನೂ ಭಿರ್ಯಶೇಮ ದೇವಹಿತಂ ಯದಾಯು ಹರಿಃ ಮಿತ್ರಃ ಶಂ ವರುಣಃ ಶಂ ನೋ ಭವತರ್ಯಮಾ ಶಂ ನೋ ಇಂದ್ರೋ ಬೃಹಸ್ಪತಿಃ ಶಂ ನೋ ವಿಷ್ಣುರುರುಕ್ರಮಃ ನಮೋ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಸ್ತೆ ವಾಯೋ ತ್ವಮೇವ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ ಬ್ರಹ್ಮಸಿ ತ್ವಾಮೇವ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ ಬ್ರಹ್ಮ ವದಿಷ್ಯಾಮಿ ಋತುಂ ವದಿಷ್ಯಾಮಿ ಸತ್ಯಂ ವದಿಷ್ಯಾಮಿ ತನ್ಮಾಂ ವತು ಔತು ಮಾಂ ಔತು ವಕ್ತಾರಂ ಹರಿ ಓಂ ಹರಿ ಪ್ರಭು ಪ್ಯಾರೆ ಹರಿ ಸಮ ಜಗ ಕಛು ವಸ್ತು ನಹೀ ಹರಿ ಸಮ ಜಗ ಕಛು ವಸ್ತು ನಹೀ ಪ್ರೇಮ ಪಂಥ ಸಮ ಪಂಥ ಸತ್ಗುರು ಸಮ ಸಜ್ಜನ ನಹೀ ಸತ್ಗುರು ಸಮ ಸಜ್ಜನ ನಹೀ ಗೀತಾ ಸಮ ನಹೀ ಗ್ರಂಥ ಹರಿ ಜೋ ಹರ ಜಗ ಹೈ ಹರ ದಿಲ್ ಮೇ ಹೈ ಹರ ಸ್ಥಾನ ಮೇ ಹೈ ಹರ ದೇಶ ಮೇ ಹೈ ಹರ ಕಾಲ ಮೇ ಹೈ ಹರ ವಸ್ತು ಮೇ ಹೈ ಹರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮೇ ಹೈ ಉಸ್ ಚೈತನ್ಯ ಪರಮೇಶ್ವರ ಕಾ ನಾಮ ಹರಿ ಹೈ ಜೈಸೆ ಸೂತ ಕಾ ಬನಾ ಹುವಾ ಮಾಲಾ
तो सूत के ही मणके और सूत का ही धागा अथवा सूत का बना हुआ चित्र गांधी जी का, धोती भी सूत की और गांधी भी सूत के और उनका चश्मा भी सूत का और हाथ में जो छड़ी डंडा उठाया वो भी सूत का। सूत निकाल दो तो गांधी जी का चित्र नहीं रहेगा। सूती सूत अनेक रूप में दिख रहा है, ना कोई माई ना कोई पूत, सूती सूत। ऐसे ही सच्चिदानंद ब्रह्म ही ब्रह्म है, हर वस्तु स्थिति में, उसको जानते नहीं इसलिए उसकी लीला में फंसकर दुखी होते हैं, और उसको जान ले तो उसकी लीला मानकर आनंद आनंद हो जाए। हरि सम जग कछु वस्तु नहीं। जैसे शक्कर के खिलौने, राजा हाथी पे बैठा है, सिपाही घोड़े सवार होकर खिलौने में दिखता है और प्रजाजन भी दिख रहे हैं। राजा को जरा सा हाथी की सूंड तोड़ के देखो चखो तो शक्कर स्वाद स्वाद शक्कर का है, और राजा की मूछें तोड़ के भी चखो तो शक्कर, और राजा का रुतबा लेने वाले घोड़े सवार का भी कुछ भी अंग चखो तो शक्कर। ऐसे शक्कर के खिलौने शक्कर, ऐसे परब्रह्म परमात्मा की लीला परब्रह्म ही है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। सर्वत्र अपने वासुदेव का जो ज्ञान धारण करता वो महात्मा बड़ा दुर्लभ है। लोग सोचते हैं जय भोलेनाथ, अब हम बाबा आप के साथ ऊपर चलेंगे। ऊपर कहाँ चलोगे, ऊपर तो ठंड लगेगी, और ऊपर चले जाओगे तो आकाश गंगाएं हैं जिसमें 400 सूर्य तपते हैं, अग्नि लोक है अग्नि लोक। तो अग्नि लोक में भी नहीं जा सकता ये शरीर, सूक्ष्म शरीर को इसकी असम नहीं होती, लेकिन ऊपर के लोक नीचे के लोक में कई बार तुम गए हो, कई बार रहे हो, कई बार के आए हो। न अतल में सुख है, न तलातल में सुख है, न रसातल में सुख है, न पाताल में सुख है राम जी, न स्वर्ग में सुख है, न भूरलोक में सुख है, न भूवरलोक में सुख है, न जन लोक में सुख है, न तप लोक में सुख है अग्नि लोक में। हे राम जी, सुख तो एक ही जगह पर है, जहाँ संत का मन ठहरता वो अंतर्यामी हरि में सुख है, बाकी सब ऐसा बन जाऊं ऐसा बन जाऊं, इस लोक में जाऊं वैकुंठ में जाऊं तो वहां तो भगवान के खास चौकीदार। जय विजय। सनकादि ऋषि गए नारायण से मिलने, जरा तो नारायण के पास रहने वाले भजन के बल से ही नारायण के लोक में गए थे। सनकादि ऋषियों को नहीं पहचाना, है महाराज हटो हटो बोले जाना ध्यान है हटो हटो बैठ से चार बार धकेला। सनकादि ऋषियों ने कहा मूर्खो, मनुष्य लोक से तप करके भजन करके वैकुंठ में आए और वैकुंठ में भी भगवान नारायण के पार्षद होने का मौका मिला, फिर भी तुम्हारी दैत्य दानव राक्षस वाली वृत्ति मिटी नहीं। जाओ तुम दैत्य बनो राक्षस बनो। हल्ला गुल्ला हुआ, भगवान नारायण आए बोले महाराज आपने जो इनको श्राप दिया है वो उचित ही है, लेकिन सेवक की गलती स्वामी की मानी जाती है, तो इनको आपने दैत्य और राक्षस योनियों में धकेला है, तो मुझे भी मानव देह धारण करके इनके उद्धार के लिए जाना पड़ेगा। जो हुआ है अच्छा हुआ है। वही हिरणाक्ष और हिरणाकश्यप बने। जय विजय। हिरणाक्ष दैत्य बना और हिरणाकश्यप फिर वही
रावण और कुंभकर्ण बने और वही शिशुपाल दंतवक्र बने। तो भगवान ने वराह रूप धारण करके हिरणाक्ष को मारा और नरसी अवतार धारण करके हिरण्यकश्यप को मारा, कृष्ण अवतार धारण करके दंतवक्र उनको मारा, रामावतार धारण करके रावण और कुंभकर्ण को मारा, अपने धाम में भेजा। तो ऊपर कितना भी जाओ, कबीर जी बोलते राम परवाना भेजिया, वाचत कबीरा रोए क्या करूं तुम्हारी वैंकुंठ खोजते साध संगत नहीं। तुम्हारी वैंकुंठ में मुझे नहीं आना है, क्योंकि साध संगत से परमात्मा का ज्ञान मिलता है, परमात्मा में विश्रांति मिलती है, अंतरात्मा में हरि में विश्रांति, हरि का ज्ञान और हरि की प्रीति से आदमी स्वतंत्र सुख का धनी हो जाता है। नहीं तो भाई वैंकुंठ की सुविधा, किसी 5-स्टार होटल की सुविधा मिली, लेकिन जेब में पैसा है तब तक, बाद में तो धक्का मार के बाहर निकाल देंगे। ऐसे स्वर्ग की सुविधा, ऊपर के किसी भी लोक में जाने की इच्छा करना बचकाना है। ऊपर 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 तो नीचे के केंद्र विकारों में जाते हैं और ऊपर के केंद्र विचार प्रधान है, भगवान का ज्ञान होता है, इसलिए फिर ऊपर ऊपर की भावना हुई। बाकी ऊपर कहीं जरा थोड़ा सा रहम करो, ऊपर जाओगे ठंडी नहीं लग जाएगी, भगवान ऊपर है, हम ऊपर जाएंगे, अब ऊपर जाएंगे, क्या है कि बस अब ऊपर जाएंगे, ऊपर जाएंगे तो आकाश में विचरण करेंगे, चंद्रमा के किरणों के द्वारा फिर वनस्पति में चीज वस्तु में आएंगे, फिर जन्म लेना है। न ऊपर जाना है न यहाँ रहना है, केवल अपने चैतन्य आत्मदेव को ठीक से जानना है। भगवान शिव जी ने कहा, हे पार्वती, इधर तीर्थ है उधर तीर्थ है, ऐसे तामसी लोग भटकते रहते हैं, लेकिन उन तीर्थों में जाने का फल है कि आत्म तीर्थ में आना चाहिए। शिव जी के वचन आप उच्चारण करना। शिव जी पार्वती को कहते हैं, इदम तीर्थम इदम तीर्थम इदम तीर्थम इदम तीर्थम भ्राम्यते तामसा जना भ्राम्यते तामसा जना। जिनकी बुद्धि में तमो और रजोगुण का प्रभाव है वो भ्रमण करते रहते, भटकते रहते। आत्मतीर्थम न जानन्ति आत्मतीर्थम न जानन्ति कुतः मोक्षसि प्रिये कुतः मोक्षसि प्रिये। हे प्रिय, उनकी मुक्ति कैसे होगी? तो शोक से मुक्ति, भय से मुक्ति, चिंता से मुक्ति, कर्तृत्व और भोक्तृत्व से मुक्ति, जन्म मरण से मुक्ति पाने के लिए मनुष्य जीवन हुआ है। नेता बन गए, ये है ये है, लेकिन जाना तो पड़ेगा ना, फिर जाना पड़ेगा तो भोगने के लिए, फिर आना पड़ेगा तो बंधन रहेगा ना, नहीं निर्बंध हो जाओ। मनुष्य को प्रकृति के नियमों पर विजय पाने के लिए बनाया है। प्रकृति ने ठंड बनाई, मनुष्य ने स्वेटर बना लिया। प्रकृति ने गर्मी बनाई, मनुष्य ने एयर कंडीशन और पंखे बना लिए। प्रकृति ने आंधी तूफान गर्म और ठंडी हवाएं बनाई, मनुष्य ने उसके अनुकूल मकान घर फ्लैट बना लिए। तो प्रकृति ने जन्म मरण बनाया है, तो मनुष्य मननशील, मनु और शत्रुपा अर्थात श्रद्धा और विचार की प्रधानता जिसके जीवन में, उसे मनुष्य कहते हैं। तो श्रद्धा और विचार के एक मिला, ये मिला आखिर क्या, शरीर को तो छूटना है, मरना है पक्की बात, तो मरने के पहले स्वतंत्र हो जाए, स्व के तंत्र हो जाए। ऐसा नहीं मर जाए फिर प्रकृति घोड़ा बना दे, कुत्ता बना दे, जैसी वासना हो ऐसे नीच योनि में चले जाए, तो मनुष्य जीवन व्यर्थ गया। जिसके जीवन में कोई व्रत नहीं है, नियम नहीं है, उपवास नहीं है, व्रत नहीं है, उस पर विश्वास करना भी खतरे से खाली नहीं।
व्रती आदमी जो व्रत रखता है वो निश्चय का पक्का होता है, वचन का पक्का होता है। तो जिसके जीवन में व्रत नहीं है तो कंगाल है, कंगाल। जो भीख मांगते हैं वो कौन होते हैं? भीतर से बिल्कुल गिरे हुए कंगाल, अपने प्रारब्ध पे भरोसा नहीं है। हाँ, साधु बन गए, अहंकार मिटाने के लिए भिक्षा तो मैंने भी मांगी थी, लेकिन अब क्या करें, भीख मांग के जीना है और कुछ नहीं है चारा। ऐसे दीन होकर जो भीख मांगते हैं उनके जीवन में कोई व्रत उपवास नहीं है, उनके जीवन में अपने पर विश्वास नहीं है, प्रारब्ध पे विश्वास नहीं है, भगवान पर विश्वास नहीं है, समाज की सज्जनता पर विश्वास नहीं है। वही लोग मांगते फिरते हैं। भिक्षुक के लिए, सन्यासी के लिए जो भिक्षा मांगते हैं उसके लिए अपवाद मान ले, बाकी के लोग जो भीख मांगते हैं या जिस किसी से सहयोग मांगते हैं, सहारा मांगते हैं, वे मन के बड़े दुर्बल होते हैं। आपके जीवन में कोई व्रत नियम होगा तो आपको ये भाव आएगा, सोचा मैं न कहीं जाऊंगा, यहीं बैठ के अब खाऊंगा। जिसको गरज होगी आएगा, सृष्टिकर्ता खुद लाएगा। ये आपके जीवन में व्रत नियम का स्वभाव बन जाता है। व्रतेन दीक्षां माप्नोति, व्रत से दृढ़ता आएगी। आप शास्त्र को, भगवान को, नियम को दृढ़ता से, दृढ़ता से श्रद्धा होगी अपने आप पर, अपने नियम पर, और श्रद्धा से सत्य स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति होती। तो जो पूनम व्रत लगता तो साधारण है, लेकिन इसकी कड़ी बहुत ऊंचाई से जुड़ी है। आप व्यवहार में भी मनोरथ पूर्ण होने लगते हैं, क्योंकि व्रती के संकल्प में भी प्रकृति के वातावरण में परिवर्तन करने का सामर्थ्य आ जाता। तो दृढ़ इरादा होने से आपका श्रद्धा अपने आप पर, शास्त्र पर, भगवान पर विश्वास, श्रद्धा, दृढ़ता बढ़ेगी। जो एकदम कमजोर मन के हैं, बोले अपन तो नहीं रख सकते, अपन तो नहीं रख सकते, मेरे को किसी ने बताया नहीं था कि ये व्रत रखो या ये करो, ऐसे ही अंदर से प्रेरणा हुई। क्या प्रेरणा हुई? कि वो हेमकुंड सरदारों का जो तीर्थ माना जाता है, उससे भी आगे फूलों की घाटी, उसका वर्णन मैंने सुना था राम तीर्थ के साहित्य। तो फूलों की घाटी, तो वहाँ तो ऑक्सीजन कम, थोड़ा चलो तो सांस फूले। वहाँ मैं गया तो मैं अपने हाथ से ही भोजन बनाता था। ये साधु संत जैसे अपना कंबल वम्बल लेके घूमते हैं, ऐसे मेरा तो अपना ओढ़ना बिछाना तो था, लेकिन छोटा सा स्टव भी था बत्तियों वाला, छोटी मोटी तपेली, मतलब अपना बना के खाने का भी था, तो सारा सामान साथ में ही रहता था। आप थोड़ा चले तो सांस फूले और सामान रखे, सांस फूले और सामान रखे। मैंने व्रत किया कि अभी सामान नहीं रखूँगा, जब तक बस अड्डे तक नहीं पहुँचेंगे तो सामान हाथ में से नहीं छोड़ूंगा। था तो कठिन, लेकिन व्रत रखा तो वहाँ तक पहुँच गए। इससे आत्मसंतोष होता है, आत्मबल बढ़ता है। अपने कदबूते के अनुसार कोई सात्विक व्रत रखना चाहिए, तो इससे आपका मनोबल बढ़ेगा, बुद्धि बल बढ़ेगा, संकल्प बल बढ़ेगा।